तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi Mi 10i के बारे में, जो कि आपको एक रीब्रांड फोन मिल जाता है Redmi Note 9 Pro 5G। हाँ, याद आ गया होगा, जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था उसी को अब इंडिया के अंदर लाया जा रहा है Mi 10i के नाम से। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम ही रहने वाली है स्पेसिफिकेशन, 99.9% ये स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के हिसाब से जब थोड़ा सा फ़ोन करेंगे तब थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो यही है कि भाई बाकी फ़ोन अच्छा है, वैसे रीब्रांड हो बेशक से, पर फ़ोन अच्छा है। अगर आप लोग वेट कर सकते हो थोड़े टाइम का, मतलब 10-15 दिन का, तो वेट कर लो, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। 20,000 के अगर आसपास का आप लोग का बजट है तो वेट कर लो इस फ़ोन का। हेलो सर, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Mi 10i के बारे में, एंड आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर कब तक आएगा, ऑफिशियली चीज़ें बताने वाला हूँ कि ऑफिशियली कब तक आएगा, एंड क्या प्राइस वगैरह रहने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको मिलेगी, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई हर यूट्यूबर की तरह लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेयर तो कर ही दिया, करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Mi 10i के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोग को 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाता है। इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है ग्लास की मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को चार कैमरे मिल जाते हैं। जैसा आपको पता है कि इस फोन के अंदर आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं, तो इधर जो आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है ना, वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है। सैमसंग का सेंसर है, मतलब सीरियसली 108, जब ये फोन बिकेगा तो मतलब इसकी जो ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा 108 मेगापिक्सल का, इधर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है। उसी के साथ इधर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2-2 मेगापिक्सल वाले नामकरण वाले जो सेंसर होते हैं, मैक्रो एंड डेप्थ, वो आपको मिल जाएंगे। 4K वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उधर कोई दिक्कत नहीं है। एंड बात की जाए सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। तो वहीं चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके कैमरे के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल को काफी हाईलाइट किया जाएगा, तो वैसे इस फोन के साथ जो आपको प्रोसेसर मिलता है, आपको 5G प्रोसेसर मिलता है। तो ये दो चीजें हैं ना, 108 मेगापिक्सल एंड 5G, ये इस फोन के काफी बड़े प्लस पॉइंट रहने वाले हैं। एंड जो फोन बिकेगा, मतलब मेन रीजन जो रहने वाला है, मतलब हाईलाइट जो इसको किया जाएगा अनबॉक्सिंग के टाइम 108 मेगापिक्सल एंड 5G वगैरह, तो ये दो चीजें जो है इस पे मतलब काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। बाकी इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 619 का आपको GPU मिल जाता है, एंड ये आपको एक 5G प्रोसेसर मिल जाता है। वहीं बात की जाए बैटरी की, तो इधर आपको 4820 mAh की बैटरी मिल जाएगी, बट ये फोन जब इंडिया में आएगा तो शायद इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिले, शायद कह रहा हूँ, ये चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्सपीरियंस फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, सारे सेंसर मिल जाते हैं। UFS 2.2 का आपको स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, MIUI 12 मिल जाएगा, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, 240Hz का इधर आपको टच रिस्पॉन्स मिल जाता है, एंड उसी के साथ ये फोन आपको वाइल्ड L1 सर्टिफाइड मिल जाता है, एंड Gcam वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, उधर आपको कोई इशू नहीं होने वाला, कैमरा 2 MP आपको सपोर्ट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, Gcam वगैरह यूज करो, 108 मेगापिक्सल के साथ तहलका मचा दोगे। बाकी बात करते हैं फोन के ऑफिशियली लॉन्च होने की, तो अपने इंडिया के अंदर 5 जनवरी को ये फोन लॉन्च हो जाएगा। एंड बात की जब प्राइस की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी, 20-21 हज़ार के आसपास मोस्ट प्रोबेबली ये फोन आपको 20,000 का मिलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 21,000 तक जा सकता है, मतलब 20 के आसपास ही रहने वाला है। तो अगर आप लोग कोई 5G फोन का वेट कर रहे हैं बेटर पैकेज के साथ, तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में आपको मोटरोला भी मिल जाता है, बट उसके अंदर ना आपको एक पैकेज इतना अच्छा नहीं मिलता 5G के नाम पे। तो भाई काफी सही फोन है, बट आप एक पैकेज देखते हो तो इतना कुछ तगड़ा पैकेज नहीं है, पर इस फोन के साथ आपको एक पैकेज के साथ 5G मिल जाता है। एंड वैसे ना Xiaomi का जो प्राइस रहता है थोड़ा सा महंगा रहता है, अगर आप उसको Redmi से कंपेयर करते हो, क्योंकि Redmi ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रखती है, Xiaomi थोड़ा सा मतलब प्राइस ज़्यादा रखती है। तो वैसे भी Mi की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है, यानी कि Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ, तो थोड़ा सा प्राइस आप ज़्यादा मान सकते हो, 21-22 तक भी जा सकता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताओ कि भाई आपको ये फोन कैसा लगा, आपको इसमें क्या सही चीज़ लगी, क्या बुरी चीज़ लगी, क्योंकि हाइब्रिड सिम स्लॉट मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेकार चीज़ है, बट 128GB का स्टोरेज आपको सही मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ आप लोग अपनी राय कि क्या आपको प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट लगे इस फोन के साथ। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, एंड मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। मिलते कल किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।